already. How many love the worship songs? You really love the worship songs? Amazing. Wow. Okay, you can take these verses down. The message, we'll read it and then. Colossians chapter 2. Verses 6 and 7. 6-7. 1 Peter chapter 1, verses 6 and 7. Pehla Patras 7. 1-6-7. James chapter 1, verses 2 to 4. Yaakub pehla 2-4. And then verse 12. Phir 12. Okay, so Colossians 2, 6 and 7. 1 Peter chapter 1, 6 and 7. And James chapter 1, verses 2 to 4. And then verse 12. Okay? So turn to Colossians chapter 2. And let's stand. सब खड़े हो जाएं. Shikha will read it in Hindi, and then I'll make a few comments in English after she's finished reading. So, Colossians 2 verses 6 and 7. कुलुसियों का दूसरा अध्याय 6-7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। याकूब के पहले अध्याय 6-7 में लिखा है, पर विश्वास से मांगें और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उठती है। याकूब की पत्री पहला अध्याय 2-4-12। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। The word various in English language there, when you encounter various trials, जो शब्द है नाना प्रकार की परीक्षाओं में, the word in the Greek is poikilos, यूनानी में शब्द है poikilos, which means from every side, many sides, जिसका मतलब है हर तरफ से। Okay, go ahead. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। 12वें पद में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। पहला पत्रस के पहले अध्याय के 6-7 में लिखा है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ओके, नाउ द वर्ड अगेन हियर, नाना प्रकार, वेरियस, यहाँ पे ये शब्द नाना प्रकार और एक बार लिखा है, इज द सेम वर्ड, ये वही शब्द है, पोल्किलोस, वेरियस ट्रायल्स ऑन ऑल साइड्स, नाना प्रकार की परीक्षाएं हर तरफ से। And the word you see there for little while, थोड़े समय के लिए, little while, और जो शब्द है थोड़े समय के लिए, it's a word in Greek called ARTI, RT. ये यूनानी में शब्द है RT, ARTI. You know what it means? इसका मतलब क्या है? You know what RT means? RT का मतलब क्या है?
One dot. It means a dot. Ek dot. It says here for a little while. कुछ दिन के लिए. Means one dot. मतलब एक dot. When you have trials on all sides. जब हर तरह से नाना प्रकार की परीक्षाएं हो. They will last for. वो बस कुछ दिनों के लिए. One dot. एक dot के समान. और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पहला पत्रस 4 और 10 में जाएंगे, ओके? पहला पत्रस 4 और 10 जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाया। नाना प्रकार के what's the word? Various. Which means what? So you have trouble on every side. जब आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। In James chapter 1, correct? याकूब की पहली पत्री। In 1 Peter chapter 1 it says you have trials on many sides. पहले पत्रस के एक में बोलता है नाना प्रकार की परेशानियां। But in verse chapter 4 verse 10 it says you have grace on every side. लेकिन चौथे अध्याय के 10 में बोलता है कि अनुग्रह हर तरफ से। In a life of faith. विश्वास के जीवन में। You will have tests on from every side. आपके पास बहुत सारी समस्याएं होंगी हर तरफ से। Trials on every side. बहुत सारी परीक्षाएं होंगी हर तरफ से। But 1 Peter 4:10 says you have poikilos grace, you have grace on every side. लेकिन पहला पत्रस 4:10 कहता है कि आपको अनुग्रह हर तरफ से मिले। So no matter what test comes. तो इसका इससे कोई मतलब नहीं कि कितनी सारी परेशानियां। No matter what trial comes. कितनी तरह की परीक्षाएं हैं। There is a manifold grace of God to encounter and give you grace in that situation. उस परिस्थिति में परमेश्वर की बहुतायत से अनुग्रह मिलेगा आपको। Father, we want to thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you for this time this evening. इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Give this time into your hands. ये समय हम आपके हाथों में देते हैं। Speak through your word. अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। Through our hearts. हमारे हृदयों से। Change us. हमें बदल दीजिए। To be more like you. कि हम आपके समान बनें। Bless this evening tonight, Lord. इस शाम को। We give it in your hands. आपके हाथों में सौंपते हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Last week we spoke about on Ecclesiastes chapter 11. पिछले हफ्ते हमने सबोपदेशक की किताब के बारे में पढ़ा। सबोपदेशक के 11वें अध्याय के बारे में पढ़ा। And we said. और हमने कहा। In verse 1 it said, cast your bread upon the waters and it will return back after many days. पहले वचन में कहा गया कि अपने सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो। And we said the word was paradidomai. और जो शब्द है paradidomai. Paradidomai. Relax. Who knows? So relax. It means to give over completely. इसका मतलब है पूरी तरह से समर्पित कर देना। And then we said that the reason in our lives where most people never make a commitment to God is because they never make a decision. हम अपने जीवन में पूरी तरह से समर्पण नहीं कर पाते इसका कारण यह है कि हम उसका निर्णय नहीं लेते। Solomon tried 8 different ways. सुलेमान ने 8 विभिन्न तरीके अपनाए। Remember that 8 different ways: material success, political success, many wives, treasures, business. 8 different ways, and it left him sad with 3 teeth. 8 विभिन्न तरीके राजनीतिक और बहुत सारी पत्नियां और विभिन्न प्रकार के तरीके। It left him sad. वो उससे उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, वो बहुत दुखी और उदास हो गया। And it left him with 3 teeth. और उसके 3 ही दांत रह गए, 3 ही दांत बचे। He was wealthy, but he had only 3 teeth. वो बहुत धनी था लेकिन वो बस 3 दांतों के साथ रह गया। And the word, remember we said the word cast in Hebrew means it's a step of faith, it's a courageous step of faith. इब्रानी शब्द में समर्पण का मतलब है विश्वास का एक कदम, विश्वास का एक मजबूत कदम। The foundation of our Christianity is not reason, it's a relationship with Jesus. हमारे ख्रिस्तीय जीवन का
जो नींव है वो हम यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध है। We are motivated to serve God because we love Him. हम लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। There is no budget in our Christianity on how much we love God, right? We don't budget our love. इसकी कोई माप नहीं है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। Let me give four examples. Remember those four examples? चार उदाहरण जो दिए गए थे। Good Samaritan. एक अच्छी अच्छा सामरी। The widow with two copper coins. दो सिक्कों के साथ विधवा। Mary of Bethany. Bethany की Mary. And then the Macedonian church. Macedonian. They had nothing, but they revealed their love. उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना प्रेम जाहिर किया। And the purpose that God has for our life is what? That we depend upon Him and His power now for our lives. और परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन के लिए, वो हम वो यह है कि हम उनके अनुग्रह पर निर्भर करें। In Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानियों की किताब 11 के 6 में। It says, without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। It's impossible to please God without faith. परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। Because sometimes the Christian life, actually the Christian life, it seems to be very unreasonable. क्योंकि बहुत बार जो क्रिश्चियन जीवन है वो बहुत ही बिना मतलब का लगता है। It takes faith to walk after God and follow Jesus Christ. और विश्वास चाहिए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। In Romans chapter 14 verse 23 in the B part it says whatever is not of faith is sin. रोमियो के 14:23 में लिखा है कि जो भी विश्वास की तरफ से नहीं है वो पाप है। I can please God only by faith and if there is no faith in what I do then it's as good as sin towards God. मैं परमेश्वर को अपने विश्वास से प्रसन्न कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जो विश्वास से नहीं है तो वो पाप के समान है। In Romans chapter 10 verse 79, know how does faith come? It comes by the hearing of the word of God. रोमियों के 10:17 में लिखा है विश्वास कैसे मिलता है? विश्वास बस परमेश्वर के वचन से मिलता है। There was a man and he was expert in doing stunts. एक आदमी था जो करतब दिखाने में बहुत माहिर था। So he put a wire across the Niagara Falls. उसने नायग्रा फॉल्स के अक्रॉस एक वायर लगाया। Now understand that distance between the two mountain between the fall in the waterfall between those two mountain two peaks. दो पहाड़ की चोटियों के बीच की दूरी। It's about 600 meters apart. They're about 600 meters apart. वो कम से कम 600 मीटर की दूरी पे थे। And it's 800 meters down there. और 800 मीटर की गहराई। So this man put a wire across the whole thing. इस आदमी ने उसके अक्रॉस एक वायर लगाया और उसने उस पे साइकिल चलाया। Some people have a lot of faith. बहुत सारे लोगों के पास बहुत विश्वास है। कुछ ज्यादा ही। So he said, I will cycle from this end to that end on that wire. तो वो पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी पे उस वायर के थ्रू साइकिल करके गया। So he pedaled across that whole thing on the wire. तो उसने पूरे वायर पे साइकिल चलाया। When he reached the other side, जब वो दूसरी तरफ पहुंचा, there were a few people there. वहाँ पे कुछ लोग थे। And he met a man who couldn't stop praising. He was like, wow, amazing. What you do is so good. वहाँ पे एक आदमी था जो उसकी प्रशंसा करते थक नहीं रहा था। Then the cycler, the guy asked him this question. तो उस आदमी ने इनसे एक सवाल पूछा। He says, do you think can I cycle back? क्या मैं वापस साइकिल कर सकता हूँ? He said, of course, you are amazing, you are too good, you can do anything, you can do it with your eyes closed also. You are so good. तो उस आदमी ने कहा कि अरे आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने कमाल कर दिया, आप आंखें बंद करके भी वो कर सकते हैं। So you believe that I can do that? He said, of course, you are amazing, you can do it any day. उन्होंने पूछा क्या सच में लगता है कि मैं कर सकता हूँ? तो उस आदमी ने कहा कि you can do it in the night also. उन्होंने कहा कि आप ये रात में भी कर सकते हैं। He said, will you come with me? तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि आप मेरे साथ आएंगे? If you believe that I can do it, will you come with me? अगर आपको ये विश्वास है कि मैं कर पाऊंगा तो क्या आप मेरे साथ आएंगे? उसने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। That I cannot do. ये मैं नहीं कर सकता। You know what his problem was? आपको पता है उसकी समस्या क्या थी? He believed about the man, but not in the man. Right? उसने उस आदमी के प्रसिद्धता वो जो कर सकता था उसके भरोसा किया, लेकिन आदमी के ऊपर उसको भरोसा नहीं था। उसने आदमी की जो काबिलियत थी उस पे भरोसा किया, लेकिन आदमी के ऊपर भरोसा नहीं। And sometimes it's like this with Christians. We trust Jesus for our salvation, but we don't trust him in the daily walk of life.
कभी-कभी हम विश्वासियों के साथ भी यही होता है कि हम अपने उद्धार के लिए परमेश्वर पे विश्वास करते हैं लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर मी फ्रॉम हेल यस आई बिलीव इन यू हां परमेश्वर मेरे उद्धार करता है मैं उस पे विश्वास करता हूं लेट्स वॉक बाय फेथ एंड आई टेल यू व्हाट टू डू व्हेन इट डजंट मेक सेंस नो दैट आई कैन नॉट डू और परमेश्वर बोलते हैं कि तुम विश्वास से चलते रहो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है तो हम बोलते हैं नहीं वो मैं नहीं कर सकता एंड द लॉर्ड सेज बट दैट्स व्हाट प्लीजेस मी लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि लेकिन वही बात है जो मुझे प्रसन्न करती है Do you believe that I can do everything? परमेश्वर बोलते हैं क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ? You take out the Bible verse and say, yes, I believe you can do anything. आप बाइबल निकालते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं। So can you trust me with your life? Yes, I can trust you with your life. तो परमेश्वर बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे जीवन क्या तुम अपने पूरे जीवन के लिए मुझ पर भरोसा करते हो और हम बोलते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं। It's okay. Now I want to do something which does not make sense. That I cannot do. Someone else can. I cannot. परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जो शायद बिना मतलब के लगे जिसका कोई अर्थ ना निकले तब हम बोलते हैं कि नहीं इस पे इस बात के लिए भरोसा नहीं करते मेनी टाइम्स वी आर अफ्रेड टू ट्रस्ट गॉड फॉर आवर लाइव्स इन अ डेली वॉक विद गॉड बहुत बार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए परमेश्वर पे विश्वास करने से डरते हैं सम टाइम्स यू आर लाइक द मैन हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द पोल सेइंग आई यू आर ग्रेट यू कैन साइकिल इन द नाइट यू कैन साइकिल बैकवर्ड आल्सो बट आई कांट कम नियाग्रा फॉल्स के दूसरे साइड में खड़े उस इंसान की तरह हम कभी कभी बोलते हैं कि हम परमेश्वर हम पे विश्वास करते हैं लेकिन मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सकता why does that happen ये क्यों होता है there are many reasons but there are a few of them are like doubt fear and unbelief बहुत सारे कारण हैं लेकिन मुख्य कारण है अविश्वास और शंका डर They are the main reasons why we don't trust the Lord fully. ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम परमेश्वर पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। The man would say, "Yeah, you can cycle across, but I fear if I come with you, you may go through, but I may fall." उस आदमी की तरह हम कह सकते हैं कि हाँ, आप वापस साइकिल कर सकते हैं, लेकिन आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। Sometimes we can think of that and think about our lives and say, "Yeah, I can go with Jesus, but what if I fall in between?" बहुत बार हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ मैं जीसस यीशु मसीह के साथ चल सकता हूँ लेकिन क्या हुआ कि अगर मैं गिर गया मैथ्यू चैप्टर 14 मत्ती के 14वें अध्याय में पीटर इज इन द बोट पतरस जब नाव में जीसस वॉक्स ऑन द वाटर राइट यीशु मसीह पानी पे चलते हैं इट साउंड्स अ लिटिल एरोगेंट व्हेन पीटर सेज आई आल्सो वांट टू वॉक ये थोड़ा अहम वाली बात लगती है कि जब पतरस बोलते हैं कि मैं भी पानी पे चलूंगा but the response from Christ is amazing and he says come लेकिन यीशु मसीह का जो उत्तर था वो बहुत ही अच्छा है वो बोलते हैं telling us come sit with me on the cycle we'll cross the Niagara together on the wire and he says come and Peter said okay I'm in ये इस प्रकार से कि यीशु मसीह बोलते हैं कि आप मेरे साथ वापस चलो नियाग्रा वापस साइकिल से क्रॉस करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि हां मैं आता हूं and by his side I can look at the situation and I can say what a fool man is like what's wrong with it walk on water nazron se dekhne pe hum bolte hain ki kya bewakoofi hai murkhta hai ki pani pe chalo I mean what a request kya baat hai I want to walk on water main pani pe chalna chahta hu the disciples sitting in the boat the remaining of them were like jo baki ke chele hain jo nav pe baithe hain wo shayad hans rahe hon but he walked didn't he लेकिन वो पानी पे चला वो पानी पे चला you know what they were occupied with? आपको पता है कि उनके दिलो दिमाग में क्या बसा था they were looking at the waves. वो लहरों पे ध्यान दे रहे थे Jesus, Peter was looking at Jesus Christ. And पतरस यीशु मसीह को देख रहा था yeah, when he walked on water, of course he looked at the waves and began to sink. हाँ, जब वो पानी पे चल रहा था तो उसने लहरों की तरफ देखा और वो डूबने लगा of course that happened. But what was the important point there? लेकिन मुख्य बात क्या थी वहाँ पे reached out and picked him up right ishu masih ne usko uthaya now if you read the text carefully in the greek you will find out that at that point christ was about 20 to 30 feet away from peter yunani shabd mein uska matlab hai ki ishu masih jab us samay 20 se 30 feet ki duri pe tha which means christ's hand reached out 20 feet further and lifted peter up that was a miracle to see मतलब यीशु मसीह ने 20-30 फीट की दूरी से हाथ बढ़ाया और पतरस को उठाया and that was not all. बस इतना ही नहीं Then they walked back together to the boat on the water. यीशु मसीह और पतरस दोनों साथ में वापस चलकर नाव तक गए right. Peter did not walk on water once, he walked on water twice. पतरस पानी पे एक बार नहीं चला वो दो बार चला He crossed the
the Niagara and then came back again. उसने Niagara cross किया और फिर वापस आया. We look at that story and sometimes I think, if I was in the boat, would I ask Jesus, I want to walk on water? Would you? जब हम इस कहानी के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या मैं यीशु मसीह से बोलता कि मैं पानी पे चलना चाहता हूँ? I don't know. हमें नहीं पता. I don't know if I would have asked Christ and said, Lord, even I want to walk on water. हमें नहीं पता कि हम बोलते कि यीशु मसीह मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ. But what's the point in this? लेकिन इसमें मुख्य बात क्या है? Is that I can trust Christ for my life. या तो हम यीशु मसीह पे पूरे जीवन के लिए भरोसा कर सकते हैं. I can trust Christ for the walk of faith in my life. मैं यीशु मसीह पे अपने विश्वास के जीवन के लिए भरोसा कर सकता हूँ. It says, be rooted and grounded and established in your faith. कुलोसियों के दूसरे अध्याय में कहता है कि विश्वास में the same faith with which you received Jesus Christ, now in that same faith be rooted, grounded and established. जो विश्वास हम यीशु मसीह पे है उसी विश्वास पे हमें गड़े रहना. Stay there. वहीं पे गड़े रहना. Don't move by every wind of doctrine that comes. वहां से हिलना नहीं. But in Romans 10:17, listen, get that faith by listening to the word. रोमियो का 10:17 कहता है कि विश्वास वचन सुनने से आता है. What do you mean by faith comes by hearing by the word of God? इसका क्या मतलब है कि विश्वास वचन सुनने से आता है? It does not mean that casually I'm listening to what message is going on. You know, like sometimes we put a message on in the house and we're walking around. We're not really listening, but the message is going on. इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना मन के वो वचन सुनते जा रहे हैं. You know, sometimes people will put the TV on, a preacher is preaching and they're moving around doing all the work in the house. That's not how the faith will come. बहुत बार है कि हम टीवी ऑन करके देखते हैं प्रचारक प्रचार कर रहा है और हम घूम रहे हैं. उसमें कोई गलत बात नहीं है. I mean, better than watching a movie, it's better than listening to a preacher preaching on TV. That's okay. But here is how the faith will come. एक फिल्म देखने की जगह पे हम प्रचारक का प्रचार सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे विश्वास की बात है. When the word is preached, जब प्रचार किया जाता है, when the word is read, जब वचन पढ़ा जाता है, you agree with it. आप उसके साथ सहमत होते हैं. Yeah, this is true. आप बोलते हैं हाँ ये सही बात है. And this is true for me. ये मेरे लिए सही बात है. And God will do this for me also. और परमेश्वर ये मेरे लिए भी. This promise that I hear in the word, ये जो वचन मुझे बताता है, ये वादा जो मुझे वचन बताता है. I agree. I said yes, God can do this. मैं सहमत होता हूँ और कहता हूँ God can do it for me also. और परमेश्वर ये मेरे लिए भी करेंगे. Make it personal. इसे हम व्यक्तिगत बनाते हैं. Then I say yeah, I believe in this. तब हम बोलते हैं कि हाँ, then मैं विश्वास करता हूँ. Then that word, God puts us in that position where we can experience that word. तब परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में रखते हैं कि हम उस वचन को अनुभव करते हैं. Because 2 Corinthians 5:7 says we walk by faith and not by sight. You know what that means? दूसरा कुरिन्थियों का 5:7 कहता है कि आप विश्वास से चलो, अपनी दृष्टि से नहीं. इसका मतलब क्या है? When you say yes to the word, when you say yes, I believe, that God puts you in that position where you will say, where you can experience that word. जब वचन के ऊपर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में डालते हैं कि आप उस वचन को अनुभव करते हैं. There you remember the verse and say, Ah, God said, I will believe God. I remember what God. तब आप उस वचन को याद करते हैं और कहते हैं हाँ, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ. Then you see the result. फिर आप उसका निष्कर्ष देखते हैं. You say, Ah, it works. तब आप बोलते हैं कि हाँ, ये काम करता है. Faith grows. विश्वास बढ़ता है. Then you hear more. तब हम और भी ज्यादा विश्वास करते हैं. You hear more. और सुनते हैं. You grow more. और बढ़ते हैं. As you live by faith, और जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं, परमेश्वर को आनंद मिलता है. That's why we worship according to what we have been taught, not according to our emotions. इसलिए हम परमेश्वर की आराधना इस बूते पे करते हैं कि हमें जो पढ़ाया गया है, हम अपनी भावनाओं की वजह से परमेश्वर की आराधना नहीं. See the words that are put on the song when we are worshiping, we are singing, we are praising, we are doing it on basis of what we have learned from the Bible, not on our emotions. जब हम गाना गाते हैं और गाने के शब्दों को देखते हैं तो वो हम अपनी भावनाओं की वजह से नहीं, लेकिन जो हमें पढ़ाया गया है वचन से. Of course we sing from our hearts, we mean what we sing, of course. हाँ, हम दिल से गाते हैं, हम जो कहते हैं गाने में गाते हैं उसका हम मतलब समझते हैं. And the songs that we sing, they are Bible verses. लेकिन जो हम गाने गा रहे हैं वो परमेश्वर का वचन है. And they become personal to us. वो हमारे लिए व्यक्तिगत बन जाते हैं. That's why we sing these songs. इसलिए हम वो सारे गाने गाते हैं. The whole book of Psalms is singing. भजन संहिता का पूरा वचन जो है वो 150 psalms, they are singing, they are sung. 150 जो वचन है भजन संहिता में वो सारे गाने. That's what we do, right? वो हम वही करते हैं. You know what? When you live a life of faith, learn to worship God according to the Bible. जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के वचन के हिसाब से. You can take any song. Okay, maybe let's look at this.
He works in ways we cannot see. We sang that today, right? वो ऐसे तरीके से काम करता है जो हम समझ नहीं पाते. He will make a way for. परमेश्वर मेरे लिए मार्ग बनाएगा. Okay, where is the emotion in that? इसमें भावना कहाँ है? That's my faith. I trust that. I say, yeah, that's true. या मेरा विश्वास है. मैं कहता हूँ कि हाँ, ये सही है. And I can, at the same time, when I'm worshiping, I can think what God has done for me, where He has opened a way where there was none. आराधना करते हुए हम सोच सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने ऐसा काम मेरे जीवन में किया. And it takes me to a place in the Bible where I can see where He works in where I cannot face, that we cannot see, and He makes a way. और हमें परमेश्वर के वचन के ऐसे जगह पे ले जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे काम करता है जहाँ पे हम देख नहीं सकते. And when you sing that way, जब आप उस तरीके से आराधना करते हैं, when you sing that way, जब आप उस तरीके से आराधना करते हैं, the Bible says, तो बाइबल का वचन कहता है, you know, your heart is prepared. आपका हृदय भी तैयार होता है. You can receive the word. आप वचन को ग्रहण कर सकते. It changes you. वो आपको बदल देता है. Your worship life changes. आपका आराधना का जीवन बदल जाता है. For Sundays to worship, you worship every day. आप बस संडे को reading your daily devotion and you can begin, suddenly you begin to sing. आप बस संडे को आराधना नहीं करते, लेकिन आप कभी भी आराधना करते हैं जहाँ भी हो. I don't know much about singing, but I think that's what it is from the heart, right? That's what it is. It's from the heart. जो आराधना है वो दिल से होनी चाहिए. If faith is what pleases God, अगर विश्वास है जो परमेश्वर को आनंदित करता है, then it is faith that God will also test. तो ये विश्वास ही है जो परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेंगे. Remember, God will test your faith. ये याद रखिए कि परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा लेंगे. Whenever a cake is made, जब एक केक बनाते हैं, you take the ingredients of it. उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं. Flour. आटा. What else? Raw eggs. अंडे. What? Sugar. चीनी. Butter. Baking soda, vanilla extract or something, right? बहुत सारी चीजें. Now, if you were to take flour, baking soda separately on its own and taste it, अगर आप आटा और बेकिंग सोडा अलग से लेंगे और उसको आप चखेंगे, raw eggs, कच्चे अंडे आप चखेंगे, तो अच्छा नहीं लगता. Doesn't make too much, you know, you're not excited about it. आपको अच्छा नहीं लगेगा. But when you put them all together, लेकिन वो सारी चीजें जब आप एक साथ मिलाएंगे, it still is not good enough. तब भी वो अच्छा नहीं लगेगा. It has to go in the oven. वो उसको अवन में डालना पड़ेगा. It has to go in the oven. वो अवन में डालना पड़ेगा. It has to get a little heat. उसको पकाना पड़ेगा. Some heat has to go in. थोड़ा उसको पकाना पड़ेगा. The temperature has to be put at a certain degree. तापमान थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. The temperature is put to a certain degree so that the cake rises perfectly. Then we eat it, right? अवन का तापमान कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि केक अच्छी तरह से पक जाए. Now, if the temperature is more than what it's supposed to be, then what will happen? अगर उसका तापमान हम कुछ ज़्यादा बढ़ा दें, जितना चाहिए उसे, तो फिर क्या होगा? It burns. वो जल जाएगा. Black cake. काला केक. With vanilla ice cream on it. When men try to make the cake, sometimes it happens. But here's the point. यहाँ पे बात ये है. There can be situations in life on its own. हमारे पास बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं. At different moments, at different times, and you can say it doesn't make sense. बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ होंगी जो आपको together, in hindsight, ये बोलने को मजबूर कर देंगे कि इसका कोई मतलब नहीं. But when they're all put together, लेकिन जब उन सारी परिस्थितियों को साथ में आप देखेंगे, little bit of testing goes through. और जब थोड़ी परीक्षाएं होंगी, then it comes to sense. तो आपको इसका मतलब समझ. That's what Romans 8:28 says. रोमियो के 8:28 में. All things work together for good. Doesn't it say that? सारी चीजें. It doesn't say individually things work together for good. It says all things when put together, then they work for good. सारी चीजें हमारी भलाई के लिए काम करती हैं. That's what you'd see in Joseph's life. वही हम जोसेफ के लाइफ में. That's what we see at the cross. वही हम देखते हैं क्रूस पर. What was happening at the cross? क्रूस पर क्या हुआ? Many times you have this question, what about evil in this world? What about the wrong things that happen in this world? इतनी सारी बुराइयों का. What about the injustice in this world? इस संसार के अन्याय का क्या? What about the sufferings that we go through in this world? इतनी सारी तकलीफों का क्या? And Jesus did it simply. He just didn't come and sympathize with, oh, I can understand. He didn't do those things. यीशु मसीह ने हमें आके सांत्वना नहीं दिया. He just came himself. यीशु मसीह खुद आ गए. He just came himself. वो खुद आ गए. And he endured every suffering. और उन्होंने सारे कष्टों को झेला, सारी तकलीफों को झेला.
और हमें सिखाया that he can go through it, so when we go through it, he understands. इसलिए जब हम उन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो यीशु मसीह समझ सकते हैं क्योंकि वो उन परिस्थितियों से खुद गुजर चुके हैं. You have temporary sufferings. हमारे पास बहुत ही थोड़े समय की परेशानियां होती हैं. You have temporary suffering. बहुत ही थोड़े समय की परेशानियां होती हैं. But when Christ came, he saved us from eternal suffering. लेकिन यीशु मसीह आए जब वो क्रूस पर मरे तो हमें अनंत काल के तकलीफ से बचाया. He saved us from hell. उन्होंने हमें नरक से बचाया. And he went through everything that you and I will ever go through. और हमें जिन तकलीफों से गुजरना था उन सारी तकलीफों से यीशु मसीह गुजरे. That's why we call good Friday, not bad Friday. इसलिए हम बोलते हैं भला शुक्रवार, भला बुरा नहीं. Because after it happened, we saw the goodness in it. क्योंकि जब वो हो गया तब हम देखते हैं कि उसमें भलाई है. At the point when Christ was being crucified, you could not call it Good Friday at that point. जब यीशु मसीह क्रूसित हुए तो उस समय आप उसको भला शुक्रवार नहीं. What you see, what happens because of the cross, you see, that was Good Friday. लेकिन उनके क्रूसित होने के बाद जब आप वापस देखते हैं तो आप उसको भला शुक्रवार. Because now I am saved from eternal suffering. क्योंकि हम अनंत काल के कष्ट से बचाए गए. Now I am saved from the power of sin and death. जो पाप की ताकत है हम उससे बचाए गए. मृत्यु से बचाए. Now please understand. ये बात समझिए. None of us like it when we go through tests. हम में से किसी को अच्छा नहीं लगता जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं. Let's not be hyper spiritual. Say, other thing happens to me. None of us enjoy those moments. हमें किसी को भी वो सारी परिस्थितियाँ पसंद नहीं आती. But in hindsight, afterwards. लेकिन हम जब बाद में देखते हैं. We would never say, I wish, I thank God I went through it. तब हम वापस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. उस क्षण में शायद हमें वो अच्छा ना लगे लेकिन बाद में हम वापस देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. जोसेफ इन द प्रिजन. अगर आपको जेल में जोसेफ से बात करने का मौका. Are you enjoying it? अगर आप उसे पूछें कि क्या आपको आनंद आ रहा है. I don't know what his answer would be. तो क्या जवाब होगा नहीं बोल सकते. But at the end of his life, if you said, was it okay that you went thrown into the pit by your brothers? Falsely accused, spent time in prison, which I think was worth it. लेकिन आप उनके जीवन के अंत में जाके उनसे पूछेंगे कि आपको गड्ढे में डाला गया, आपको बेच दिया गया, क्या वो सही था? तो आप बोलेंगे हाँ, सही. If you were to ask Job in the middle of his trial, was it worth it? अय्यूब के जीवन के बारे में आप बोलेंगे कि हाँ, ये सही है. He gives the answer, by the way, in Job chapter 3 verse 11, says, I wish I had perished at birth. अय्यूब के 3:11 में. I wish I had perished at birth. नाश हो गया था मेरा जन्म पर. Because of he lost his sons, his body is full of boils. He's saying, I wish I had perished at birth. उसने अपने बच्चों को खो दिया, उसको फोड़े हो गए. But in Job 42, if you ask him, was it worth it? लेकिन अय्यूब के 42वें अध्याय में अगर आप पूछेंगे क्या ये सब सही था? Yeah, it was. हाँ, ये था. And what we want to talk tonight a little bit is, what is the trial of my faith and where does that trial lead me to? आज हम जो बात करेंगे कि हमारी परीक्षाओं का मकसद क्या है, वो परीक्षाएं हमें कहाँ ले जाएंगी? Faith is tested. विश्वास की परीक्षा होती है. Our faith is tested. हमारा विश्वास जो है उसकी परीक्षा होती है. And there is a reason why God tests our faith. और इसका कारण है जो परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है. It says in Isaiah 48 verse 10, it says, in the furnace of affliction you tested me. यशाया के 48 की 11. Forth as gold. 48:10. यशाया 48 के 10 में. In the furnace of affliction you have tested me. भट्टी में आप मेरे विश्वास की परीक्षा होती है. जब मैं बुढ़ापे की तरफ और मैं सोने की तरह परख कर बाहर आऊंगा. In the middle of the testing. परीक्षा के बीच में. You know what God is doing? आपको पता है परमेश्वर क्या करते हैं? The word in this mean, it means like this. इस शब्द का मतलब है. You are testing or examining a candidate. आप एक जन की परीक्षा ले रहे हैं. To see, to approve that he is worthy to be used. ये देखने के लिए कि वो कितना काबिल है. किसी कार्य करने के लिए कितना काबिल है. So the process is this. You are examining the candidate. इसकी प्रक्रिया इस तरह से है कि आप उसकी परीक्षा लेते हैं. To find if he is and approve him, like you put a chapa on it, say pass. कि एक pass का छापा लग जाता है कि वो उस कार्य को करने के लिए. This person can be used.
यह उस कार्य को करने के लिए काबिल है. And it comes from the analogy of a man of the person testing gold, purifying gold. और ये सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया के समान है. When they put the gold into the fire to purify. जब आप सोने को आग के बीच में रखते हैं उसको शुद्ध करने के लिए. It is set on a temperature. एक तापमान पे रखा जाता है. And the gold begins to melt. और सोना जो है वो पिघलने लगता है. Because when it comes from the ore, when it comes from the mines, it's not pure. It's got a lot of impurities in it. जब सोने की भट्टी से उसको निकाला जाता है तो वो शुद्ध. जब सोने की खदान से आता है तो उसमें मिट्टी भरी हुई होती है. A lot of impurities in it. उसमें बहुत सारी अशुद्धता होती है. So they put it into the fire, into the furnace. इसलिए वो उसको आग में डालते हैं. It goes right to the bottom of it. और वो भट्टी की तली में जाता है. And the person puts the fire on and begins to heat it up. और पट्टी में आग लगाया जाता है और उसको गर्म किया जाता है. And then slowly the thing begins to melt. और धीरे-धीरे सोना पिघलने लगता है. It becomes liquid. और ये द्रव्य बन जाता है. And then what happens is when it begins, the heat begins, then all the impurities begin to come up to the surface. जब सोने को गर्म किया जाता है और जब द्रव्य बनने लगता है वो और सारी अशुद्धता जो है जो ऊपर आ जाती है. It starts to come to the surface. वो ऊपर सतह में आ जाता है. And the air takes it and removes it. और फिर वो सारी अशुद्धताओं को ऊपर से हटा देते हैं. And then you know when the fire stops. और जब आग बंद किया जाता है. You know when it stops. जब ये बंद किया जाता है. It's when he can see his own reflection in the gold. कि जब आप उसपे देखते हैं सोने में तो फिर सोने में आपकी परछाई दिखती है. That's the way the Christian life is. हमारा विश्वासी जीवन इसी तरह का है. हम बचाए गए. But we have baggage in our lives. लेकिन हमारे जीवन बहुत सारे things in our life which are not pleasing to God. हमारे जीवन बहुत सारे ऐसी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं. So God puts us in the test. तो परमेश्वर हमें परीक्षाओं में डालता है. It's like he puts the fire on. और तब थोड़ी आग लगाते हैं परीक्षा. A little bit of the testing brings out the wrong things in me to the fore. God points it out and says, "This is what I don't want in your life." और उस वो परीक्षा के दौरान हमारे जीवन में जो भी अशुद्धताएं हैं वो परमेश्वर बाहर निकाल देते हैं. God points it and puts a finger on it and says, "This is what I don't want." परमेश्वर अपनी उंगली रख कर के बोलते हैं कि ये अशुद्धता हमें. And when that is gone, और जब वो अशुद्धता हमारे जीवन से चली जाती है. Like Christ in that area. और मैं उस क्षेत्र में यीशु मसीह की तरफ बनता हूँ. तो आग को बंद कर दिया जाता है. उस क्षेत्र में हम यीशु मसीह की तरफ बन जाते हैं. Then he puts me in another fire. तब परमेश्वर हमें दूसरी आग में डालते हैं. Again raises the temperature. वो फिर से तापमान बढ़ाते हैं. Again that point comes up which is wrong in my life. फिर उस तापमान तक बढ़ाया जाता है जब. Again God puts a finger on that. तब परमेश्वर दूसरी अशुद्धता की तरफ उंगली करते हैं. Takes it out. फिर से उसे बाहर निकालते हैं. फिर जब परमेश्वर अपनी परछाई हमारे जीवन में देख पाते हैं तो उस आग को बंद कर देते हैं. That's what the process of life is. हमारे जीवन की प्रक्रिया ऐसी है. So that's why he says that when you encounter various trials, do not consider it a small thing. इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि जब हम बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है. It says what it is saying in 1 Peter chapter 1. It says it's the approval. It's better than precious with the testing of precious gold. ये पहले पत्रस के पहले much more precious than gold. कि सोने के तपने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. In verse 12 of James chapter 1 it says when it's approved you will receive the crown of life. याकूब के 1:12 में लिखा है कि तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा. But you know what I love is 1 Peter 4:10 it says every side you will experience the grace of God. लेकिन पहला पत्रस 4:10 में बोलते हैं कि हर तरफ से अनुग्रह मिले. On your own. परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में छोड़ नहीं देते हैं कि तुम्हें जो करना करो. He gives me grace in that situation on every side. उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं हर तरफ से. You are tested in faith. Your faith is tested. आपके विश्वास की परीक्षा होती है. And when it is being tested. जब आपके विश्वास की परीक्षा होती है. When you finish the test. जब हम परीक्षा खत्म करते हैं. God puts his stamp of approval on your life. तो परमेश्वर जैसे एक छापा लगा देते हैं हमारे जीवन पे. It says this person can be used by me. यह जो मनुष्य है वो मेरे कार्य में. Usable by God. मेरे कार्य के लिए काबिल है. Usable by God. परमेश्वर के लिए उपयोगी. When you encounter it, he says, keep persevering with endurance, because it leads you to maturity. इसलिए जब हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं हमें लड़ना चाहिए, हमें जूझते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें. Never give up during that time. Never give up during that time. हिम्मत नहीं हारनी. The angels clap during your time of testing.
स्वर्गदूत जो है वो तालियां बजाते हैं आपकी परीक्षा के साथ. God puts a stamp on you, the angels slap and say, "Well done." जब परमेश्वर विजयी होने का छापा लगाते हैं हमारे जीवन में तो स्वर्गदूत जो वो तालियां बजाते हैं. You know what I think sometimes? I think God likes to show us off to the principalities and powers. जो परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को एक उदाहरण की तरह दिखाना चाहते हैं. That's why we are called trophies of grace. Ephesians 2 में लिखा है हम जो है. I think God wants to try us and test us. He puts us up and he shows off. See. जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं और परीक्षा पास करते हैं तो परमेश्वर हमें उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं. When our faith is tested, God shows us off to the principalities and powers and says, "Approved. He is usable by me." जब हम एक परीक्षा पास करते हैं तो परमेश्वर हमें उदाहरण के तौर पे स्वर्गदूतों को दिखाते हैं कि Someone said that a faith that cannot be tested cannot be trusted. ये कहा गया है जो विश्वास है जो जिसकी परीक्षा नहीं ली गई है वो विश्वास करने के लायक नहीं है. If your faith cannot be tested, your faith cannot be trusted. अगर आपका विश्वास परीक्षा लेने के लायक नहीं है तो आपका विश्वास जो है विश्वास करने के लायक नहीं है. And when you endure the trial, when you endure the test, जब आप परीक्षाओं में जूझते हैं, it brings about experience. एक अनुभव आता है. And you realize. और आपको यह एहसास होता है. You can never do it on your own. कि हम अपने बूते ये सब नहीं कर सकते. You have to depend upon God. हमें परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत है. By the way, also understand this: we don't go searching for tests and trials. इसका मतलब ये नहीं है कि हम इधर उधर जाके परीक्षाओं को ढूंढें. We are not searching for it all the time. Oh God, come on, test me this. No. We don't. No. Let's do it. Sorry. इसका मतलब ये नहीं कि हम परीक्षाओं का इंतजार करते हैं. When you're listening to this message, don't get afraid that these guys probably go and do. They are grown in faith because they went and searched for testing and said, "God, test me." And now that none of us did that. ऐसा मत सोचिए कि ये लोग जो हैं ये जाके इन्होंने परीक्षाओं की खोज की और फिर वो परीक्षा पास करके विश्वास में आगे बढ़े. ऐसी बात नहीं है. It's common for every believer. ये हर एक विश्वासी के लिए साधारण. In some area of the other, God is testing us even right now. हमारे जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में परमेश्वर हमारी परीक्षा. In some area of our life, God is putting a finger and saying, "I don't want this in your life right now." किसी ना किसी क्षेत्र में परमेश्वर उंगली कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो. Don't think what happened to Job, if that happens to me, that's a test or a trial. No, He's perfecting you, which means He's taking out the impurities from your life. ये मत सोचे कि अय्यूब के जीवन में जो हुआ वो मेरे जीवन में भी हो रहा है तो फिर ये परमेश्वर जो है हमारे जीवन से अशुद्धताओं को दूर कर रहे हैं. रिमूविंग दैट आउट. हमारी अशुद्धताओं को दूर कर रहे हैं. व्हाई डू यू थिंक गॉड पुट्स अस इन अ चर्च? ये क्यों है कि हम इस कलीसिया में हैं? बिकॉज दैट्स द फर्स्ट प्लेस वेयर अ बिलीवर इज रियली टेस्टेड. ये कलीसिया पहली जगह है जहाँ पे हमारे विश्वास की परीक्षा होती है. इट्स लाइक दिस अ चर्च इज द प्लेस वेयर गॉड रियली टेस्ट आवर कैरेक्टर फर्स्ट. कलीसिया वो जगह है जहाँ पे हमारे आचरण की परीक्षा होती है. इफ योर फेथ इज जेन्युइन फेथ देन इट विल बी टेस्टेड इन द चर्च फर्स्ट. अगर आपका विश्वास सही है तो फिर वो कलीसिया में उसकी परीक्षा. बाय द वे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड रेपुटेशन. चरित्र और प्रसिद्धता में फर्क है. कैरेक्टर इज व्हाट यू रियली आर. जो चरित्र जो है वो आप जो हैं. रियली आर. जो आप सच में. यू से हाउ डू आई नो व्हाट्स माय कैरेक्टर. तो आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरा चरित्र क्या है. व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज लुकिंग. जब आप जब कोई नहीं है और तब जो आप करते हैं वो आपका चरित्र. दैट्स हु यू रियली आर. व्हेन यू आर अलोन and no one's watching you, और कोई आपको देख नहीं रहा है. That's who you really are. और तब वो जो आप काम कर रहे हैं वो बताता है कि आपका चरित्र क्या है. Reputation is what others think about you. प्रसिद्धता जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं. Difference. ये फर्क है. Live for character, not for reputation. चरित्र के लिए जीवन जिए, प्रसिद्धता के लिए नहीं. Reputation is fickle. People have fickle reputations. One day they'll say you are good, second day they say you are bad. प्रसिद्धता स्थिर नहीं है. आप किसी दिन लोग बोलेंगे आप अच्छे हैं, किसी दिन बोलेंगे कि ओह यस सर ही इज अ ग्रेट गाय. सम पीपल हैव अ रेपुटेशन ही इज नॉट अ ग्रेट गाय. प्रसिद्धता की वजह से कुछ दिन लोग बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर बाद में बोलेंगे आप अच्छे नहीं. कैरेक्टर इज इमूवेबल. लेकिन चरित्र जो है वो हिल नहीं सकता. फोकस ऑन गॉड. व्हेन गॉड टेस्ट यू, इट इज टू बिल्ड योर कैरेक्टर, नॉट योर रेपुटेशन. जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके चरित्र को बनाने के लिए लेते हैं, आपके प्रसिद्धता को बनाने के लिए नहीं. ही डजंट वांट यू टू हैव अ रेपुटेशन, ही वांट्स यू टू हैव कैरेक्टर. परमेश्वर आपकी प्रसिद्धता नहीं, आपके आचरण में. Because only by testing your faith can he really bless you. क्योंकि आपके विश्वास की परीक्षा होने पर ही आपको आशीष मिलेगी. First Peter 1 says that when character is formed you, that's when the blessing of God comes. पहले पत्रस के पहले में लिखता है कि आपके आचरण
धर्म की वजह से आपको आशीषें मिलती हैं। And God puts His stamp on it, says, "Yes, now this person can be used by me." परमेश्वर आपके जीवन में एक छापा लगा देते हैं कि हाँ, अब ये इंसान मेरे कार्य के लिए। And that's where in the church, that's where God puts us so that He can purify us in the church. इसलिए परमेश्वर हमें कलीसिया में रखते हैं कि कलीसिया में हमारे विश्वास की परीक्षा हो। The first test that God gives us is the obedience test. Are you obedient to God? पहले हमारे आज्ञा की परीक्षा होती है, क्या हम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी हैं? The test that God puts every believer through. ये विश्वासियों के लिए एक साधारण परीक्षा है। Every believer is put through the obedience test. हर विश्वासी आज्ञा की परीक्षा से गुजरता है। Do you really obey God when it doesn't make sense? Do you really obey God when it doesn't make sense? क्या जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तब भी क्या परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? Do you really obey God when you don't feel like obeying? जब क्या तब भी आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं जब आपको लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं माननी चाहिए? Obedience test. God puts us in the obedience test. परमेश्वर हमें आज्ञा की परीक्षा में डालते हैं, कलीसिया में। Do I really listen to the message and do I really apply it in my life? Obedience test. क्या मैं वचन को सुनता हूँ और वचन को अपने जीवन में लागू करता हूँ? Don't be worried about who comes on the pulpit to speak. इस बात की चिंता मत कीजिए कि कौन पुलपिट पे आके प्रचार करने वाला है। If a verse is spoken, write it down and believe in it and apply it in your life. जब वचन बोला और पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको लिखिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। Second test that God puts every believer through in the church is the love test. दूसरी परीक्षा जो है एक विश्वासी के जीवन में होती है वो प्रेम की परीक्षा। Do you really love your neighbor as yourself? क्या आपने पड़ोसियों को आप अपने समान प्रेम करते हैं? What is the greatest command? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? In the New Testament, what did Jesus say? What is the greatest command in the Bible? नए नियम में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Is that the greatest command? अपने परमेश्वर को अपने पूरे हृदय और अपने सामर्थ्य से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। Is that the greatest command? क्या ये सबसे बड़ी आज्ञा है? Which means if I don't do it, am I committing the greatest sin? इसका मतलब है कि जब मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं सबसे बड़ा पाप कर रहा हूँ। If I don't love my neighbor as myself, then it's probably the greatest sin. अगर मैं अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम नहीं कर रहा हूँ तो शायद ये सबसे बड़ा पाप है। If I don't do it, then that means that's the greatest sin, right? जब यीशु मसीह हमें कुछ करने को कहते हैं और हम वो नहीं करते so God will put us in the church to say, "Do you really love me?" जब परमेश्वर हमें परीक्षा कलीसिया में डालते हैं, Lord, I love you. क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? How much do you love me? हाँ, हम आपसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर पूछते हैं कि अब तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? I will give my life for you. मैं अपना जीवन आपको दे दूंगा। Okay, then go love the person who offended you. तो आप जाओ उस इंसान से प्रेम करो जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई। You can go on the cycle. I'm not coming. तब हम बोलते हैं कि आप साइकिल में जाओ, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। That's the test of your faith. यह हमारे विश्वास की परीक्षा। Do you love people who do not love you? कि जो इंसान, जो लोग आपसे प्रेम नहीं करते, आप उनसे प्रेम करते हैं? Do you love people when they mistreat you? जब लोग आपको तकलीफ देते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं? जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं? क्या आप सच में उनसे प्रेम करते हैं? If yes, अगर हाँ, then the stamp of approval is there. तो परमेश्वर का छापा आपके जीवन में लग जाता है कि मैं इस मनुष्य को अपने कार्य के लिए उपयोग करूंगा। If you cannot, अगर आप नहीं कर सकते, in that same area, God will keep bringing the test again and again and again till that thing does not become perfect. तो उसी क्षेत्र में परमेश्वर बार बार परीक्षा लाएंगे और जब तक कि आप उस क्षेत्र में सुधर नहीं जाते। Okay, yeah. Next test is forgiveness. The test of your faith of forgiveness. तीसरी परीक्षा जो है वो क्षमा की परीक्षा है। माफी की परीक्षा। Do you find it difficult to forgive someone? क्या आपको किसी को माफ करने में तकलीफ होती है? Uday, do you find it difficult to forgive someone? उदय, क्या आपको तकलीफ होती है किसी को माफ करने में? Me too. मुझे भी होती है। We all do it. हम करते हैं ऐसा। We all find it difficult to forgive someone who has mistreated us. किसी ने अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है तो हमें उसे माफ करने में तकलीफ होती है। But we forgive anyway. लेकिन फिर भी हम माफ करते हैं। If we don't, अगर हम माफ नहीं करते, then you will be tested in that very area till you begin to be like Christ. तो उसी क्षेत्र में परमेश्वर हमारी बार-बार परीक्षा लेंगे। Understand that.
इस बात को process how God moves in our life. एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में चलते हैं. If I keep resisting it, God will keep bringing a test in that very same area till I become like Christ. अगर किसी हमारे जीवन का कोई क्षेत्र है जिसमें हम संघर्ष कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे तो परमेश्वर बार बार उसी क्षेत्र में परीक्षा डालें. If I have a problem in loving someone that offended me, then you know what? And if I don't forgive the person, then God will keep bringing tests in that very same area and say, I'll keep bringing it till you learn to forgive, forget. Love the person as your own. You will be like me. अगर किसी मनुष्य ने आपको तकलीफ पहुंचाई और अगर आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर उसी क्षेत्र में आपको बार-बार परीक्षा में डालेंगे कि क्षमा करना. Then you become like Christ. तब हम यीशु मसीह की तरह. When you do, जब आप ऐसा करेंगे, stamp of approval. तो परमेश्वर का छापा लग जाएगा. Can be used by me. कि परमेश्वर के कार्य के लिए आप काबिल हैं. Then your life becomes a testimony to someone else's life. तो आपका जीवन तब दूसरों के लिए गवाही बन जाता है. Another test that God puts us is, do we trust upon His word? अगली जो परीक्षा है वो ये है कि वचन पे विश्वास. And God does that in the church to us. परमेश्वर हमें कलीसिया में. Do you really trust the word of God for your life? क्या आप वचन पे अपने जीवन के लिए भरोसा करते हैं? When you face a situation, do you really go to the Bible to find out the answer for it? क्या आप किसी परिस्थिति में जब पढ़ते हैं तो अब क्या वचन पढ़ते हैं? परमेश्वर ये सारे क्षेत्र में परीक्षाएं लेते हैं. And that's the place where we are approved by God is right here in the church. और वो सारे क्षेत्र हैं जब आपकी परीक्षा होती है, जब हम इस कलीसिया में. That's why it's important that we assemble all the board together. इसी वजह से हमें. That's why we assemble all the board together. इसलिए हम और भी ज्यादा इकट्ठे होते हैं और कलीसिया के रूप में. So that as family we can face the trial together. कि एक परिवार की तरह उन सारी परिस्थितियों का सामना कर सके. Encourage each other together. कि हम एक दूसरे को उत्साहित कर सके परीक्षाओं का सामना करने के लिए. एक दूसरे को हम बढ़ने में मदद कर सके. And we can motivate each other. Come on, like, let's do it together. एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं. हम एक कर सकते हैं. We are all growing. हम एक साथ बढ़ते हैं. We are all growing. हम एक साथ बढ़ते हैं. Never stop growing. हम कभी बढ़ना बंद नहीं करते. Stop growing. अगर आप बढ़ना बंद कर देते हैं, start backsliding. तो आप पीछे गिरने लगेंगे. Soon you'll do that. बहुत जल्दी आप गिरने लगेंगे. Growing in your life. तो आप कभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ने से मत रुकिए. One of the reasons why God sends tests is also that sin would be separated from us. और एक दूसरा कारण जो है हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है उसके लिए कि जो हमारे जीवन में पाप है वो उससे हम अलग हो जाएं. When in as a Christian, एक विश्वासी होने के नाते don't love sin. पाप से नफरत होनी चाहिए. पाप से प्रेम मत रखो. पाप से नफरत करनी चाहिए. Don't love your sin. अपने पाप से प्रेम मत करो. Don't love the blind spots in your life. जो हमारे जीवन में जो धब्बे हैं हमें उनसे प्रेम नहीं करना. Like there are areas of weakness in my life. Don't love the weakness. Deal with it and get right with God and move on. जो हमारे जीवन में कमजोरियां हैं, जो धब्बे हैं, उनके साथ हमें मतलब नहीं रखना. Genesis, we see from Genesis right up to Revelation that God is testing people. उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर लोगों की परीक्षा ले रहे हैं. In Proverbs 17 verse 3 it says, God is testing your heart. नीति वचन 17:3 में लिखता है कि परमेश्वर हमारे हृदय की परीक्षा ले रहा है. It's always God is always testing our heart so that he can put a stamp of approval and use you for his glory. परमेश्वर हमेशा हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि वो अपना एक छापा लगा सके हमें उपयोग कर सके. The trials but he never leaves you in the battle. Remember that. परमेश्वर हमें परीक्षाओं में डालते हैं लेकिन वो हमें किसी युद्ध में नहीं भेजते. It doesn't you the battle what happens in the battle does not depend on you. जो पीछे जो युद्ध चलता है वो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता. First Samuel chapter 17 verse 47 David said it says the battle is the Lord's. पहला सामुएल 17 के 47 में battle is the Lord's. जो युद्ध है वो परमेश्वर. You are being prepared in a trial to be used by God. The trial will lead you somewhere. I'm coming to that point in a minute. परीक्षाओं के दौरान हम परमेश्वर के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं. When Jesus came on the earth, जब यीशु मसीह दुनिया पे आए, he would say something. उन्होंने कहा, and he would test people's hearts. उन्होंने लोगों के हृदयों को जांचा. Some of them would say, yes, we'll follow you. What you're saying makes sense. कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हम आपके पीछे आएंगे. आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब बनता है. Others would move away. दूसरे लोग चले गए, दूर चले गए. You know what is worse? एक वचन है. What is worse? उससे भी बुरा क्या है? Some of them used to question him.
बहुत सारे लोग उनसे remember the Pharisees would say they would ask a question and it says in the Bible they were saying these things so that they were testing him. जैसे फरीसी जो थे वो उनसे सवाल पूछते थे उनकी परीक्षा लेने के लिए. Don't have the Pharisaical spirit when you are being tested in the Lord. You begin to question God like what Lord if you do this will you do this in my life then I will do. Don't question God. अब अपनी परिस्थितियों में फरीसियों की तरह मत बनिए. आप परमेश्वर से ये मत पूछिए कि अगर आप ये करेंगे तो ऐसे होगा. We have manifold grace on all sides. परमेश्वर हर तरीके से अनुग्रह भेजते हैं. Listen. God prepares you in the trial. परमेश्वर हमें परीक्षाओं के दौरान तैयार करते हैं. He prepares you. वो हमें तैयार करते हैं. So that when you are approved. कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर छापा लग रहा है. He sends you out. और वो हमें भेजते हैं बाहर भेजते हैं. You will trust him implicitly in every area of your life. अपने जीवन की हर परिस्थिति में हम परमेश्वर पे विश्वास कर पाएंगे. And when the battle happens. और जब युद्ध होता है जब you will see how God comes through. तो आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी परिस्थितियों में आते हैं. Moses was in the back side of the desert for 40 years. मूसा जब मरुभूमि में थे 40 साल के लिए. That was not his battle, that was a trial of his faith. वो उनका युद्ध नहीं था लेकिन वो उनके विश्वास की परीक्षा थी. If he passes the trial, then he can lead Israel out. अगर वो परीक्षा पास कर पाते तो वो इसराइलियों का नेतृत्व करते. The battle was in Egypt. युद्ध जो था वो तुरंत था. Egypt, Israel. The battle was मिस्र में था. जो युद्ध था वो मिस्र में था. What did Moses do in Egypt? मूसा मिस्र में क्या कर रहे थे? He just went up and down the stairs, right? That's what he did. He went up and up. Let my people go. वो बस ऊपर नीचे हो रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे लोगों को जाने दो. By the way, okay, we do that later. Just let my people go. मेरे लोगों को जाने दो. But who was doing the miracles? लेकिन कौन चमत्कार कर रहा था? God was doing it. परमेश्वर कर रहे थे. Moses was prepared for 40 years in the backside of a desert. He was tested there so he could stand in the battle. And God would bring the victory. परमेश्वर मूसा को 40 साल तक मरुभूमि में तैयार कर रहे थे लेकिन परमेश्वर ने ही विजय दी. That's our life. हमारा जीवन ऐसा ही है. Whether in the church, जब हम कलीसिया में हैं, in the home, घर पे हैं, you walk with God, परमेश्वर के whether साथ, it's a sickness, जब हम बीमार हैं, loneliness, अकेलापन, area in our lives, हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं, weakness, कमजोरियां, disease, बीमारियां हैं, whatever is that test is. जो भी परीक्षा हमारे जीवन में with joy, God is putting a stamp on your life. उनसे जूझते रहिए क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में छापा लगाएंगे. और परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जब आप विजयी होने का आनंद उठा पाएंगे. The battle always belongs to the Lord. जो युद्ध है वो हमेशा परमेश्वर के. हम शैतान से नहीं लड़ते. We don't fight the devil. हम शैतान से नहीं लड़ते. We are in the word. हम लोग वचन में बने रहते हैं. याकूब के चौथे वर्ड. हम शैतान का सामना करो मतलब परमेश्वर के वचन को उठाओ. मींस यू लिफ्ट अप द वर्ड. आप परमेश्वर के वचन को उठाओ. गॉड डज द फाइटिंग. और परमेश्वर बाकी काम करता है. बिकॉज़ यू कांट फाइट इट यू लूज. क्योंकि हम नहीं लड़ सकते हम हार जाएंगे. यू पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड दैट्स योर जॉब. जो परमेश्वर के हथियार हैं वो अ वाइटल पार्ट ऑफ द आर्मर इज प्रे देयर व्हेन गॉड गेट्स इनटू एक्शन. जो हमारा मुख्य हथियार है वो प्रार्थना है. यू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू गॉड विल डू द फाइटिंग. यू डोंट फाइट. आपको जो करना है वो आप कीजिए. परमेश्वर यू ग्रो इन द वर्ड यू ग्रो इन प्रेयर यू ग्रो इन दोस थिंग्स द फाइटिंग गॉड विल डू. आप वचन में बढ़िए आप प्रार्थना में बढ़िए बाकी काम परमेश्वर करेगा. द बिलीवर गेट्स अप एंड ही सेज आई विल फाइट द डेविल आई विल शो हिम हु आई एम आई हैव द वर्ड. यू नो व्हाट हैपेंस ही गेट्स एग्जॉस्टेड टायर्ड एंड देन ही गेट्स डिस्करेज्ड. विश्वासी सुबह उठता है और बोलता है कि मैं लड़ूंगा शैतान से मैं ये करूंगा वो करूंगा लेकिन आवर वर्क इज नॉट टू फाइट द डेविल. That's God's work. हम शैतान से नहीं लड़ते वो परमेश्वर का काम है. We resist it, which means we raise the book. हम उसका सामना करते हैं. When he attacks, we go to the book. परमेश्वर के वचन को उठा के. When we go to the book, he runs. जब हम बाइबल पढ़ते हैं वचन पढ़ते हैं तो शैतान भाग जाता है. Did Jesus do that? क्या यीशु मसीह ने वो किया? Did he do that? Every time the devil said something, whispered, don't do this, can't do this. जब यीशु मसीह मरुभूमि में परीक्षा में डाले गए. जितने बार भी यीशु मसीह मरुभूमि में परीक्षा में डाले गए उन्होंने हर बार वचन से उत्तर दिया. I sat few days back and I picked up. I was trying to find practical promises from Genesis to Revelation for a believer.
कुछ दिनों पहले जब मैं बैठा था तो मैं एक विश्वासी के जीवन Really, I was thinking about it, like, and if you go through those verses, you will find for every situation there is a promise that God has given you. Really, it was easy to preach about it. Oh, this, and I said, let me search if there is a promise for everything. It's there, simple. Sometimes you just take the trust, the word of people who have preached way before you, they know more than you, right? अब जब वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनके लिए जवाब आपको वचन में मिलेगा. Elijah, when he was sent to the widow's house in Zarephath. इलिया जब पहले राजा के 17वें अध्याय में उस विधवा के घर में भेजा गया था जिसके पास कुछ भी खाने को नहीं था, that was his test. वो उसकी परीक्षा थी. To see if he was ready for what was going to happen in 1 Kings 18 at Mount Carmel. कि यह देखने के लिए कि पहला राजा के 18 में जो होने वाला है वो उसके लिए विश्वास है. If he passes the test at the widow's house, then he can go to Mount Carmel. अगर वो उस विधवा के घर में परीक्षा पास करता है तो वो इफ ही कैन गो टू द विडोज हाउस वेयर देयर इज नो फूड एंड बिलीव गॉड फॉर व्हाट गॉड हैज सेड देन ही कैन बी सेंट टू माउंट कार्मेल. अगर वो विधवा के घर में उस परीक्षा को पास करता है तभी वो माउंट कार्मेल भेजा जाता है. सो ही गोस टू द विडोज हाउस वेयर देयर इज नो फूड. तो जब एलिया उस विधवा के घर में जाता है तो वहां पे कुछ भी खाने को नहीं. व्हाट एंड ही जस्ट डज व्हाट गॉड टेल्स हिम टू डू. और वो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जो करना था वो करते हैं. वो बोलते हैं कि जाओ लोगों से मांगो. वो बोरो वेसल्स. लोगों से बर्तन मांग के लाओ. वो बोरो. जाओ लोगों से बर्तन मांग के लाओ. दैट हैपेंस. और वो होता है. देन गॉड सेंड्स हिम टू माउंट कार्मेल. तब परमेश्वर उसे माउंट कार्मेल. देयर ही वुड नॉट गो टू माउंट कार्मेल. अगर एलिया वहां पे फेल हो जाता तो वो माउंट कार्मेल नहीं जाता. परमेश्वर ने उसके जीवन में छापा लगाया. इट वाज नॉट द विडोज टेस्ट. इट वाज एलिजा टेस्ट. ये विधवा की परीक्षा नहीं थी. वो एलिया की परीक्षा थी. Because at Mount Carmel, क्योंकि माउंट कार्मेल में 850 prophets would be shouting and praying to their deity. 850 जो नबी थे वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे थे. 12 hours they shouted. वो 12 घंटे चिल्लाते रहे. 12 hours. 12 घंटे. Elijah was afraid. Let me go and sleep for a while. We continue shouting. एलिया ने सोचा कि मैं जाके सोता हूँ. Prophets of Baal, they are shouting to their idols and saying, "Come on, God, come down, give us the sacrifice." बाल के जो नबी थे वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे थे. And Elijah mocks them there. और एलिया जो है वो वहाँ पे वो हंसता है. He tells them, "I think your God has gone on a bathroom break. If you read the word, that's what it means. I think your God has gone on a bathroom break. That's why he's not listening." इलिया उनको बोलता है कि शायद तुम्हारा भगवान जो है वो शौचालय. She read it there. She said, no. So there is a long prayer by the 850 prophets of Baal. Long prayer. तो जो 850 नबी है वो बहुत लंबी प्रार्थना. 12 hours. 12 घंटे. But there is a 10-second prayer of Elijah. लेकिन इलियास जो है उन्होंने बस 10 सेकंड प्रार्थना की. 10 सेकंड. रीड दैट वर्स इन 1 किंग्स 18. पहला राजा के 18 में वो वचन जवाब पढ़ेंगे. लाइक यू लेस देन दैट प्रेयर दैट एलिजा प्रेड. इट लाइक यू लेस देन 10 सेकंड्स व्हाट ही प्रेड. नबी इलिया ने जो प्रार्थना की वो 10 सेकंड से भी कम था. गॉड आंसर लाइक दैट. और परमेश्वर ने उत्तर दिया. वेयर वाज हिज फेथ टेस्टेड? एट द ब्रूक ऑफ चेरेद. एट द विडोज हाउस वेयर देयर वाज नो वाटर. No food, where God sustained him in the places where there was nothing. So at Mount Carmel, he can say, "Come on, God, help us. God, please do what you did." नबी इलिया के विश्वास की परीक्षा कहाँ होगी? वहाँ पिछले पहला राजा 17 में जब विधवा के घर पे वो गया. What is God doing? तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं? What is God doing in our lives? तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं? Let's put the fire on in each one of our lives a little bit somewhere in our lives. उन्होंने हमें विभिन्न परीक्षाओं में डाल के रखा है. Anyone sitting in this church or any church for that matter has some fire going on under them in their lives right now. इस कलीसिया में या फिर किसी भी कलीसिया में हर तरह की परीक्षाएं चल रही हैं. Remember what it says in Hebrews, if he does not test you, then you are not his children. इब्रानी में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास परीक्षा में नहीं डाला गया तो तुम उनके बच्चे नहीं हो. Because you are his children, he's put the fire on. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं इसलिए हम परीक्षाओं में डाले गए हैं. I don't know. हमें नहीं पता. I am going through something. You are going through something. मैं किसी और परिस्थिति में हूँ, आप किसी और परिस्थिति में हैं. And hopefully the test is from the Lord, not because of your sins. और यह उम्मीद करते हैं कि जो परीक्षा है वो परमेश्वर की तरफ से हमारे पाप की वजह से है.
if you continue to live in sin, then be ready to be chastised. That also is probably going on. I don't know. यह भी एक कारण है कि जब हम पाप में जीते रहते हैं तो हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है. But when the test of faith is going on. लेकिन जब विश्वास की परीक्षा चलती रहती है. The fire is on anyway. तब जो परीक्षा की आग लगती है. जब तापमान बढ़ता है. Listen. तो सुनिए. The cake is getting ready. तो केक तैयार हो रहा है. It's getting ready. केक तैयार हो रहा है. It's getting ready. केक तैयार हो रहा है. Someone is going to take a piece out of it and say, "It's good." कोई इसका एक टुकड़ा लेके बोलेगा कि वाह बहुत स्वादिष्ट है. When you go through it, someone will look at your life and say, "Wow, I would love to follow Jesus." जब आप इस परीक्षा को पास करते हैं, तो कोई आपके जीवन की तरफ देखेगा और विश्वास में बढ़ेगा. Hey, I love to be around you. वो बोलेगा कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है. I love to fellowship with you. मुझे आपके साथ बातें करनी है. आपके साथ समय बिताना है. आपसे मिलना है. Why? There is a flavor that comes out from your life. क्योंकि आपके जीवन से एक स्वाद उनको मिल चुका है. There's a approval of God in your life. परमेश्वर का छापा उन्होंने आपके जीवन में देखा. God begins to say, "I can use you." परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपको आगे इस्तेमाल करूंगा. Don't be afraid of those things. तो आप उन सब बातों से डरिए मत. Don't get discouraged in those things. उन सब बातों से आप हतोत्साहित मत होइए. The trial what you're going through right now, don't get discouraged in those things. जो भी परीक्षा आपके जीवन में चल रही है, आप हतोत्साहित मत होइए. In Matthew 11, Jesus said, right, "Come unto me, all that are heavy laden and labor, I will give you rest." मत्ती के 11 में यीशु मसीह ने कहा कि बोझ से थके हुए और दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा. There is grace on every side. मैं तुम्हें शांति दूंगा. You take your burden and you put on Christ, and grace builds you up. परमेश्वर हर तरफ से हमें अनुग्रह देते हैं और अनुग्रह जो है हमें बढ़ाता है. My burden goes on Christ. मेरा जो बोझ है वो यीशु मसीह के ऊपर डाला. Putting me down, I take that and I put on Christ. जब मैं अपना faith and prayer I give it to Christ. And in return, Christ gives me grace to endure it. विश्वास और प्रार्थना के द्वारा मैं अपने बोझ को यीशु मसीह के ऊपर डालता हूँ और यीशु मसीह मुझे वापस अनुग्रह देता है. We are building grace muscles. हम लोग अनुग्रह के मसल बना रहे. सॉरी सर. But we are building grace muscles. In that हम लोग अनुग्रह के मसल्स बना. By grace we give our burdens to the Lord. अनुग्रह के द्वारा हम अपना जो बोझ है वो परमेश्वर के ऊपर डाल रहे हैं. God puts his stamp on us. परमेश्वर जो है अपना छापा हमारे जीवन में डाल रहे हैं. In Exodus 17 the same thing happened, right? निर्गमन के 17 में वही बात हुई. They said, "God raises the banner. The Lord my banner. God raises up." परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं. You know, yes, we are going through what we are going through. Each one of us, I can identify with that. हम में से हर एक जन है जो बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं. But don't give up. लेकिन हिम्मत मत हारिए. Because the Lord's eyes are on you. क्योंकि परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर. His hand is on the temperature. और परमेश्वर के जो हाथ है वो तापमान को नियंत्रण कर रहे हैं. If it gets too hot, if you put it down, don't worry. अगर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाए, परमेश्वर थोड़ा कम कर देंगे. He will not test you beyond your capacity. परमेश्वर आपको आपकी क्षमता से बढ़कर आपकी परीक्षा नहीं लेंगे. He will test you only according to your capacity. आपकी क्षमता के हिसाब से ही परमेश्वर आपकी परीक्षा लेंगे. थोड़ा ज्यादा. You know why? So that your capacity can increase. कि अगली बार जब आप परीक्षा में पड़े तो आप और भी ज्यादा सहन कर पाएंगे. परमेश्वर ऐसा करता है. लेकिन परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर और वो आप अपने अनुग्रह से आपको घेरे रखता है. आप परीक्षा के दौरान विश्वास में बने रहे. इन मत्ती चैप्टर 12 मत्ती के 12 में एक्चुअली मत्ती चैप्टर 14 मत्ती के 14वें अध्याय में. Remember when Peter looked at the waves, what did Jesus say? जब पत्रस ने लहरों की तरफ देखा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? Oh, you of what faith? He had big faith to step out of the water, but had little faith to keep his eyes on Jesus. और तुम थोड़े विश्वास वाले. He had a big faith to step out of the water, but little faith to keep his eyes on Jesus. उसके पास पत्रस के पास बहुत बड़ा विश्वास था पानी पे कदम रखने के लिए, लेकिन अपनी नजरों को यीशु मसीह पे टिकाए रखने के लिए कम था. That's what happens with Christianity life. When the first thing happens and we say, "Come on, yeah, God, I can do it," but to continually look at Him, sometimes our faith goes up and down. And Jesus said, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" जब हमारे जीवन में परीक्षाएं होती हैं तो हम ऐसे ही करते हैं. पहले परीक्षा पास होने के बाद हम बोलते हैं कि हाँ मैंने ये कर लिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया. लेकिन जब अगली परीक्षा में पढ़ते हैं तो फिर हम डगमगाने लगते हैं. If it happened to Peter, it will happen to us.
अगर ये पत्रस के साथ हुआ तो हमारे साथ होगा। There are moments in life where we take our eyes off Jesus and then that's when doubt comes in. और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जब हम अपनी निगाहें यीशु मसीह से हटाते हैं और तभी हमारे मन में शंका आती है। You know why doubt comes? शंका क्यों आती है? Chapter 16 verse 8, Jesus told his disciples, "Oh, you of little faith, where is your faith?" मत्ती 16 के 8 में, "Did you see that I multiplied food with 5,000? How many baskets were left? And yet you believe in the doctrine of the Pharisees?" You know what that was? There was no doctrine in their life. That's why they had no faith. मत्ती 16 के 8 में बोलते हैं कि तुम थोड़े विश्वास वाले, मैंने इतने सारे, मैंने 5,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया, इतने सारे चमत्कार किए, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? They had a faith, but they had no doctrine. That's why they had doubts. उनके पास विश्वास था लेकिन विश्वास नहीं था, इसलिए उनके मन में शंका थी। In verse 7 of Colossians 2 it says, "Don't be tossed here and there by different doctrines that you hear." कुलसियों के 2:7 में लिखा है कि विभिन्न सिद्धांतों के वजह से आप इधर उधर मत घूमें। As believers, sometimes we hear a new doctrine, hear this doctrine, that doctrine. I should believe this. This is also true. This is also. विश्वासी होने के नाते हम बहुत सारे सिद्धांतों को सुनते हैं और हम सोचते हैं यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। But in between Matthew 14 and 16, where there are two little faiths, in Matthew 15 there is four great faith. लेकिन मत्ती 14 और 16 के बीच में, मत्ती 15 में लिखा है कि ओ तुम अधिकाधिक विश्वास वाले। The woman who came to heal, asking for a daughter to be healed, and Jesus said, "Why should I have not come for the dogs? I have come to the Jews." And he says, "Still the dogs wait for the crumbs from the master's table." And Jesus said to her, "Oh, what great faith you have! I have not seen this faith in Israel." मत्ती 15 के अंदर परमेश्वर स्त्री परमेश्वर के पास आती है और कहती है उससे कि मेरी पुत्री को चंगाई दे दो। यीशु मसीह कहता है, मैं कुत्तों के लिए नहीं आया, मैं यहूदियों के लिए आया। और वो कहती है कि कुत्ते भी अन्न दाने के लिए इंतजार करते हैं जो उनके मालिक की टेबल से नीचे गिरे। और परमेश्वर उसको कहता है, क्या बड़ा विश्वास है। इन बिटवीन दोज टू थिंग्स इन मैथ्यू 15 वेयर इट सेज ओ ग्रेट फेथ डेविड इज इन द फील्ड दाऊद जब लड़ाई के मैदान में वो एक शेर और भालू के द्वारा परीक्षा में पड़ा। So he can run towards Goliath in the battle. कि वो गोलियत की तरफ दौड़ के भागे। He's alone. वो अकेला है। With his sheep. वो उसके भेड़े हैं। There is a lion and a bear. और एक शेर और एक भालू है। And I like what Pastor Shibali said that it happened on the same day. और पास्टर शिबेली ने जो बात कही वो मुझे अच्छी लगी कि ये सारी बातें एक ही दिन में हुई। They happened on the same day. वो सारी बातें एक ही दिन में हुई। And I know why he said that because there's a reason why he said that and I think it's true that it probably happened on the same day. और इसका कारण है कि उन्होंने ऐसा कहा कि ये सारी बातें एक दिन हुई क्योंकि इसका एक कारण है। Because soon he was going to run towards Goliath. जिससे कि वह the battle belongs to the Lord, not to sword and spear. जिससे कि वो शीघ्र ही गोलियत की तरफ दौड़े क्योंकि युद्ध जो था वो परमेश्वर का। Amazing that the army would stand and not move, but young David with 5 stones in his hand and a sling would run towards Goliath. ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो सेना है वो अपनी जगह पे खड़ी रहे लेकिन गोलियत 5 पत्थर और दाऊद 5 पत्थर लेकर वो गोलियत का सामना करने के लिए। There is an army with armor, helmets, spears, swords, shields, but they don't fall. They are going back. But जो सेना थी उनके पास बहुत सारे तलवार हथियार और बहुत सारी चीजें थी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो पीछे जा रहे थे। When he was alone, he was stand by God and says, "I can use you." You did not run away from the sheep. You did not run away from the sheep. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। वो you didn't run away from the sheep. वो अपने भेड़ों से दूर नहीं भागा। Make two lists if you can. आप दो लिस्ट बना सकते हैं अगर। One. पहला। Wherever the problems you've had in life. जो भी आपके जीवन में परिस्थितियाँ और समस्याएँ हैं। And then wherever God has come through in your life. और दूसरे लिस्ट में बहुत जिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। जीत दी। You will always find this side of the list bigger. तो जो परमेश्वर ने आपको जिन परिस्थितियों में जीत दी है वो लिस्ट हमेशा बड़ा होगा। Always. हमेशा। I was taught very early in the Christian life. Whenever you are discouraged, think of 5 things that you can be thankful to God now. अपने मसीही जीवन की शुरुआत में मुझे सिखाया गया था कि जब आप निराश हो, 5 चीजें ऐसे सोच लो इसी समय में जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो. Right now. And you know what? The discouragement goes like that. Out. The discouragement is out because you say, "Oh, I was focusing too much on the problem, but I hear of 5 things that I am thankful for God now."
जब आप ये करते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैं अपनी इस पर समस्या में इतना ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी परेशानियों से उबारा है। डोंट कंप्लेन इन द प्रेयर, शिकायत मत कीजिए। डोंट कंप्लेन, शिकायत मत कीजिए। यू नो व्हेन गॉड टोल्ड जोशुआ टू गो अराउंड द वॉल्स ऑफ जेरिको, जब परमेश्वर ने यहोशू को यरीहो के दीवार पे जाने को बोला, व्हाट डिड ही से, उन्होंने क्या कहा? हाउ मेनी टाइम्स ऑन द फर्स्ट डे, कितने बार पहले दिन में? वन। व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू, तुम्हें क्या करना है? गो अराउंड द वॉल एंड व्हाट, एंड बी साइलेंट, दीवार के चारों तरफ घूमो और चुपचाप घूमो। नो टॉकिंग टू योर नेबर, अपने आसपास के लोगों से बात भी मत करो। क्यों? He knew what had happened in the wilderness. उनको पता था कि क्या हुआ था। What is this here? Going around the wall six times and God will sit and we will over Jericho. We don't have even weapons. वो सोच रहे कि क्या परमेश्वर ने यहाँ पे हमें दीवार के चक्कर लगाने के लिए? No, what this system is? क्या है? Said no talking. इसलिए परमेश्वर ने बोला six days six times, seventh day seven times. Six. No talking. छठे दिन छह बार, सातवें दिन सात बार। And then what did he do? The trumpet and the wall comes down. And जब वो तुरी बजाते हैं तो फिर वो दीवार गिर जाती है। When they are walking around, their faith was being tested. जब वो दीवार की चारों तरफ घूम रहे थे तो उनके विश्वास की परीक्षा हो रही थी। Bringing the wall down was God's part. They could never do it. और दीवार को जो गिराने की बात थी वो परमेश्वर का काम था, वो कभी नहीं कर सकते थे। That battle belonged to the Lord. वो युद्ध जो था वो परमेश्वर का था। What difference does it make if you walk around that wall so many times? How will the wall fall? What's the point? क्या ही हो जाएगा कि आप एक दीवार के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, दीवार कैसे गिर सकती है? ये एक परीक्षा थी। Zip your mouth, trust in God, just do as He says, I will do what I have to do. अपना मुंह बंद करो, परमेश्वर पे विश्वास करो, जो अपना काम है वो करो और परमेश्वर को अपना काम करना है। Who will bring the victory? कौन जीत? The battle belongs to the Lord. युद्ध जो परमेश्वर। The battle belongs to the Lord. युद्ध जो परमेश्वर की है। आप विश्वास से चलते हैं। You tell Jesus, yeah, you walk across the Niagara God, I'm coming with you. आप यीशु मसीह को बोलिए कि आप नियाग्रा के क्रॉस चलेंगे, मैं आपके साथ आऊंगा। Listen, Daniel was tested ever since he was brought in, whenever he was brought into captivity, he was tested almost every single time of his life. Daniel के जीवन में हर क्षण परीक्षा होती रही। Food test, doctrine test, सिद्धांत की परीक्षा, down before the idol test. मूर्तियों के सामने सर नहीं झुकाने की परीक्षा, परीक्षाओं के ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं। जब लोगों ने उसके जीवन की तरफ देखा तो उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा पाए। So blame his worship. Blame the God that he serves. Blame him for that. Blame him for his worship for his God. उसके परमेश्वर की आराधना के लिए उसको उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। So let's put him in the lion's den. तो उसको शेर की मान में डाल देते हैं। Now if you read, there are some historians, if you look at historically, they say that there were probably 1140 lions in a den. अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद उस शेर की मान में 1104 शेर। Because look, if you look at the king and the sports that they would do and the gladiators and everything, approximately they would be between 1000 to 1140 lions. In a den that were kept for the entertainment purposes. उस जमाने में जो historically speaking, उस जमाने में मनोरंजन के लिए, खेल के लिए जो जितने शेर रखे होते थे, वो अगर आप ऐतिहासिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, Daniel is put there. 1100 से ज़्यादा शेर थे. Daniel is put there. और Daniel उस मान में डाला गया. He sleeps. वो वहाँ पे सो रहा. Wakes up. उठता है. And walks out untouched. और वो वहां से बिना छुए हुए शेरों के बिना छुए हुए all his life he was tested so that there the battle would belong to the Lord. और पूरे जीवन भर उसकी परीक्षा होती रही कि वहां पे भी परमेश्वर विजय। The three Hebrew boys tested. तीन इब्रानी लोग, तीन इब्रानी लड़के परीक्षा में आए। They got extra time with Jesus in the fire. उनको आग में यीशु मसीह के साथ और ज्यादा समय मिला। Grace surrounded them. अनुग्रह ने उनको घेरा। How long was the trial? कितना लंबा था वो परीक्षा? कितनी लंबी थी परीक्षा? For a moment. कुछ क्षण के लिए। आटी डॉट। कुछ क्षण के लिए। Momentary डॉट। कुछ क्षण के लिए। It's going on for 10 years now. It's when God answers, it will be like a dot. अगर ये 10 साल के लिए भी चलने वाली है परीक्षा तो लेकिन परमेश्वर की। Lord, it's not going from my life. When it finishes, it will be like a dot. Stop complaining. परमेश्वर ये परिस्थिति मेरे जीवन में अभी भी चल रही है, लेकिन परमेश्वर जब उसको सुलझा देंगे तो आप बोलेंगे बहुत छोटी बात है। When you complain, जब आप शिकायत करते हैं, your blessing also becomes a trial.
तो आपकी जो आशीषें हैं उनकी भी परीक्षा है। Remember Miriam and Aaron? They were blessed around Moses, yet they had a problem with him, and so they complained. And what happened? Leprosy. Miriam और Aaron. Aaron. जब परीक्षा में डाले गए थे। They were around Moses. They were blessed. वो मूसा के आसपास ही थे। वो आशीषित थे। In closing. अंत में। The midweek service. Midweek service. I gave 5 points. पांच मुख्य बातें बताइए। What happens when we go through a difficult situation? जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो क्या होता है? When you go through a test, when you go through a trial. जब आप किसी परिस्थिति से किसी परीक्षा से गुजरते हैं तो क्या होता है? God stays with you. परमेश्वर आपके साथ होता है। This is the first point. ये पहली बात है। Remember in Israel? All through the wilderness, they had the pillar of cloud and the pillar of fire, day and night. Remember that? आग का खंभा और बादल उनके संग हमेशा चलता था। In Exodus chapter 40 verse 38, last verse of the book of Exodus, आखिरी पंक्ति जो निर्गमन की किताब लिखी उसमें लिखा है कि परमेश्वर उनके संग सारे समय उनके संग रहा। This is what I wanted to remember when we go through a test. Remember, God always goes before you to guide you. परमेश्वर हमेशा आपके आगे चलते हैं आपको आपकी अगुवाई करने के लिए। He will always go before you. परमेश्वर हमेशा आपके आगे। He's given you the Holy Spirit and He's given you the Word and He will always go before you. उसने आपको पवित्र आत्मा दिया, आपको वचन दिया है और वो हमेशा आपके आगे जाएंगे। You can take these verses down later, but second, He will always lead you day and night. दूसरी बात है परमेश्वर हमेशा आपकी अगुवाई करते हैं। दिन रात। He's always leading you. परमेश्वर हमेशा आपकी अगुवाई करते हैं दिन रात। In Psalm 84 verse 11, Lord God is a sun and a shield. भजन संहिता 84:11 में। And no good thing does He withhold from those who walk uprightly. परमेश्वर कोई भी भला पदार्थ हमसे रखना छोड़े। Next one. Is He will never take away His pillar, which means He never takes away His presence. परमेश्वर अपना स्तंभ कभी भी दूर नहीं गया। 2 Timothy chapter 2:13 the verse is even if you abide दूसरे तिमोथी God remains faithful. कि जब हम अविश्वासी भी है तब भी परमेश्वर विश्वासी रहता विश्वासी होके बना रहता है। Third one. तीसरी बात। In His leading there is provision for every detail of life. परमेश्वर हमारे मार्गदर्शन में जीवन के हर विस्तार के लिए प्रावधान है। And the example was Nehemiah. और You are making a food tester and asking him to do a civil engineering job. खाना चकने वाले को आप इंजीनियर का काम दे रहे हो। खाना चक रहा है और आप उसको बोलो दीवार बना। How can it be possible? Will you go to the guy outside who's selling tea and tell him come and make my walls around my house? No. You won't tell him. But you know what? There is provision for every detail of life. परमेश्वर का हर विस्तार के लिए प्रावधान है। And lastly, in all your journeys, He's with you all the time. हमारी हर यात्रा में वो हमारे साथ है। Isaiah 43 verse 2. यशाया 43 के 2 में। और निर्गमन के 33:14. The trial of your faith. हमारे विश्वास की परीक्षा। हमें सिद्ध बनाने के लिए। God puts His stamp on you. परमेश्वर हमारे जीवन में छापा लगाता है। And the trial of your faith leads to a place where God will give you victory. और हमारे विश्वास की परीक्षा हमें ऐसे जगह पे ले जाती है जब परमेश्वर हमें जीत दिलाते हैं। Because the battle belongs to the Lord. क्योंकि युद्ध जो है वो परमेश्वर का। Don't fight the battle. आप युद्ध लड़ने की कोशिश मत कीजिए। That is God's work. वो परमेश्वर का काम। In the faith, in the trial of faith. विश्वास की परीक्षा। Stay close to God. परमेश्वर के निकट पर। आप जूझते रहिए। Joy. आनंद की खोज। Find a believer and pray with them. विश्वासियों के साथ उत्साहित होते रहिए। परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। We pray today, Lord. हम प्रार्थना करते हैं। Maybe many here. हम जब यहाँ पे Have a trial of faith in your life today. और हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं Maybe it's a health issue. ये शायद हमारे स्वास्थ्य से संबंधित Sickness. बीमारी है. A disease. तकलीफें बीमारी है. Some healing needed. हमें चंगाई चाहिए. Maybe there's a test in the marriage. शायद किसी के विवाह में परीक्षा है. Maybe there's a test in the children. शायद बच्चों के जीवन में परीक्षाएं Maybe there's a desire that needs to be fulfilled.
शायद हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूरी होने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। That needs to be restored. शायद बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। I don't know, Lord. हमें नहीं पता। But God, I know that you are there. लेकिन हमें पता है परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं। In this process, और इस प्रक्रिया में परमेश्वर angels in heaven are clapping. जब स्वर्गदूत हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। जब वो खुशियां मना रहे हैं। But the process that you've called us to. जो ये जो प्रक्रिया है। Teach us, Father. परमेश्वर हमें सिखाए। To look to you in these moments. हमें सिखाए परमेश्वर। That we can have faith like Peter. कि हम पतरस की तरह विश्वासी बने। Say, Lord, yes, I want to walk on water. हाँ परमेश्वर मैं पानी पे चलना चाहता हूँ। You just said, come. और आप जब बोलते हैं कि आओ। You just said, come. आप जब बोलते हैं आओ। He just to step out in faith, Father. हम विश्वास का कदम आगे बढ़ाते हैं। No matter if our faith is being tested right now. इस बात से कोई मतलब नहीं कि अगर हमारा विश्वास परीक्षा में डाला जाए। Teach us to love. हमें प्रेम करना सिखाए। To forgive. हमें माफ करना सिखाए। To endure. हमें जूझना सिखाए। Count it all joy. हमें आनंदित होना सिखाए। To encourage. हमें एक दूसरे को उत्साहित करना सिखाए। And to build up each other. एक दूसरे को आगे बढ़ने में उत्साहित करना सिखाए। Thank you for the beauty of the Bible. बाइबल की सुंदरता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for the beauty and the mystery of the body. थैंक यू धन्यवाद पिता इस कलीसिया की सुंदरता थैंक यू फॉर ईच पर्सन हु इज हियर टुडे और यहां पे जितने भी लोग हैं उन सब सबके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं हम आपकी आराधना करते हैं थैंक यू आपको धन्यवाद देते हैं गिव अस स्ट्रेंथ इन दीस टाइम्स हमें ताकत दीजिए परमेश्वर इन दीस टाइम्स टू कास्ट आवर बर्डन्स ऑन यू कि हम अपने सारे बोझ आपके ऊपर डाल सकें टीच अस टू डू दोस थिंग्स परमेश्वर हमें ये सारी बातें करने के लिए सामर्थ्य दे दिस लाइफ फॉर योर ग्लोरी कि हम ये जीवन आपके महिमा के लिए जिए थैंक यू फादर धन्यवाद पिता जीसस यीशु मसीह के पात्र में